हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 22 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और आगे भी इसी टाइप की सभी वीडियोज लेने के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोज देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। आपके जीके के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी, मैथ के भी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, और एक लाइक का बटन होता है यार, उसको जरूर दबा दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फीफा 2017 सर्वोच्च खिलाड़ी पुरस्कार किस खिलाड़ी के पास गया, यानी कि किसको मिला था, तो आपको रोनाल्डो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्नूकर चैंपियनशिप 2018 किसने जीता, तो इसका अभी मुझे आंसर नहीं पता था, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पे इसमें टाइप करके, मतलब लिख करके मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी नहीं पता था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका, सांप के अंदर कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 220 होती हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, तो ये आपके 63 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोटबंदी कब हुई थी, तो ये 8 नवंबर 2016 में हुई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा भाई, ये तो बिल्कुल मतलब याद भी होगी आपको, ठीक है। अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ये इंग्लैंड ने जीता था, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, सबसे बड़ी मांसपेशियाँ, तो ये सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, ग्लूटस मैक्सिमस राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है, ठीक है। मुश्ताका अली ट्रॉफी किसने जीती है, ये दिल्ली क्रिकेट टीम ने जीती थी, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन अभी नया है, तो इसका मतलब ये रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो साइनोकोबालमिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक था आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, तो वेबर होती है, राइट आंसर हो जाएगा वेबर। गूगल के CEO पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होगा, सुंदर पिचाई जी हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये आपका ALP में भी पूछा गया था, और ये अभी रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नोकिया के CEO, तो राजीव सूरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है, UK में, उत्तराखंड में है, ठीक है भाई, UK मीन्स उत्तराखंड, कभी आप UK वाला सोचने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, कोलकाता किस नदी के ऊपर या साइड में बसा है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुगली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट के भी मिल सकते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कि ये क्वेश्चन नहीं आए थे। देखिए, पूरे दिन के जो क्वेश्चन आते हैं तो एक दूसरे शिफ्ट में मिक्स होते रहते हैं, तो आप ये मत बोला करें कि ये क्वेश्चन नहीं आया था इस शिफ्ट में, तो वो उससे पहले वाली शिफ्ट का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2018 ऑस्ट्रेलिया वुमेन ओपन किसने जीता था, तो ये इनका पूरा नाम नहीं पता, बट ये है कारोलिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ और भी है इनके नाम के आगे, वो एग्जैक्ट पूरा नाम नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा बाद में जब ये पीडीएफ अपलोड करूंगा, ठीक है। बजाज के भी CEO पूछे गए हैं, और ये एक ही शिफ्ट के नहीं है, ये अलग अलग या तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मिक्स करके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। राजीव बजाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था, केरल के CM कौन है, तो पिनराई विजयन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक था, गोवा किस नदी पर या किनारे बसा है, तो मांडवी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक था, नीति आयोग की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई थी, तो नीति आयोग के बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी पूरी डिटेल में बताया था, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है, और इसको प्लानिंग कमीशन से कन्वर्ट करके नीति आयोग बनाया गया, इससे पहले इसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इसके मुख्य जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, तो वो कौन होते हैं, सॉरी, हाँ, जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो नरेंद्र मोदी, और जो इनका इसका मुख्यालय वो कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो मुख्यालय भी यहाँ पे अभी तक नहीं पूछा गया, तो शायद ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपका CEO यहाँ पे पूछा जा सकता है क्या, पूछा जा चुका है पहले भी, तो आगे भी आ सकता है, अमिताभ कांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके डेट, ये देखिए, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में कब बदला, ये डेट अभी तक नहीं पूछी गई है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो डेट हो जाएगी इसकी 1 जनवरी 2015, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 × 10⁻⁹ मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
प्लांट हार्मोन से संबंधित पर्सन था, एक्चुअल में पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है बट जो भी है मतलब आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक था आपका आईपीएल 2018 इमर्जिंग प्लेयर कौन रहा, तो ऋषभ पंत राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए सेबी की भी फुल फॉर्म पूछी गई है किसी रीजन में, तो सेबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये आपका एएलपी में भी आया था, इसको ध्यान रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, कहाँ पर है, तो मुंबई में है, ये 1911 में बना था, ठीक है भाई। आत्मकथा खुल्लम खुल्ला किसने किसकी है, ये ऋषि कपूर जी की है, तो राइट आंसर ऋषि कपूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं लगातार। असम का राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम के गवर्नर तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, जगदीश मुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका सरस्वती पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो इसका आपको ईयर नहीं बताया गया था, तो आई थिंक ये 2017 में लास्ट टाइम दिया गया था, ठीक है, तो ये 2017 का ही पूछा गया होगा। ये था आपका सितांशु, तो सितांशु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं और भी यहाँ पे मतलब 1991 में किस किस को मिल रहा है, 1992, 1993, 1994, ठीक है भाई, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आपका प्रतिहारी वंश के संस्थापक कौन है, तो हरिचंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। इरांका ट्रंप 2017 में भारत यानी कि भारत किस उद्देश्य के लिए आई थी, तो ये एक बार तो पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पे आई थी, तो हैदराबाद में आई थी। और ये इरांका ट्रंप है कौन, ये आपकी मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, और ये बिजनेस पर्पज के कुछ आई थी, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट मैंने आपको अवेलेबल करा दी है, बहुत सारे बच्चों ने जो इन टेस्ट खरीदे थे और अभी टेस्ट देके आए हैं, मतलब अपना पेपर देके आए हैं, तो बहुत मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स वो बता रहे हैं। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जो लिंक है इसको परचेज करने का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आपने बता तो दिया बट खरीदे कहाँ से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं सबसे पहला लिंक कर दूंगा उसको, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। 30 में टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जो इसमें क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अमेजिंग है बिल्कुल। आप इसको खरीद के ये नहीं सोचोगे कि 120 रुपए खराब हो गए, 120 इसलिए बोल रहा हूँ, ये 149 लिखा है, बट आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट टॉपिक स्टडी स्टूडेंट को मिल रहा है, जिसमें आपको ये कोड भरना होगा SOURABH SPL, आपको कोड मिल जाएगा। बस आपको छोटा सा काम करना है, नीचे लिंक पे क्लिक करके इसको परचेज करके और अपना टेस्ट लगाते रहिए। किसी का भी एक दो दिन बाद है तो वो तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, बट आगे के वाले जितने भी बचे हुए हैं उनको मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए और यहाँ पे मैं अब रीजनिंग के क्वेश्चंस की कुछ बात कर लेता हूँ, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पता चले हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीता लेंगे, तो यहाँ पे पूर्व अनुमान क्या क्या लगाए जा रहे हैं, तो पूर्व अनुमान जो है आपका पहला ये है कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, तो आपको इसमें कहीं ऊपर ऐसा लगा कि यहाँ पे कहीं लिखा है तो इसको तो बिल्कुल हम हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए आप पहले ये पढ़िए कि कथन में दिया क्या गया है, यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, यदि तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे, तो यहाँ पे ये तो नहीं बोला गया ना कि भारतीय पहले स्वर्ण पदक जीतते नहीं थे, ठीक है, तो या जीतते नहीं है, तो ये तो आप हटा देंगे, ठीक है। दूसरे वाला यहाँ पे क्या है, खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा, तो ये बिल्कुल सही है कि इस तरीके से अगर प्रोत्साहित किया जाएगा तो इससे आपको निष्पादकता में सुधार होगा, ठीक है, तो दूसरे वाला राइट आंसर हो जाएगा। और लगातार आपके खेलकूद से बताए जा रहे हैं, बच्चों ने जो बताए हैं कि खेलकूद से ही रिलेटेड आपके जो कथन और ये पूर्व अनुमान स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो खेलकूद वाले बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने भी कराए, कल एक वीडियो अपलोड की थी उसको देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग के तो मतलब आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि मतलब आपके 30 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, कुछ कम ज्यादा भी हो जा रहे हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जितना पढ़ा रखा है इतने स्क्रीनशॉट मैं दिखा दूंगा, इतने सारे मैसेज मैं दिखा दूंगा, जो बच्चे आके ये बोलते हैं कि सर आपने जो 15 वीडियो का क्रैश कोर्स बनाया था और जो आपने वीडियोस अपलोड की थी रीजनिंग और मैथ, उससे बाहर निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था जिसमें दे रखा था पशुओं
सब्जियों और आलू का एक वेन डायग्राम आपको बनाना था। तो अगर आप देखें यहाँ पे सब्जी और आलू का तो रिलेशन है, बट पशु एक अलग चीज हो गई, ठीक है। तो पशु आपने बिल्कुल अलग बना देना है और आलू किसके अंदर आती है, सब्जियों के अंदर आ जाता है, तो आलू सब्जी का एक अलग बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और पशु अगर आपको वहाँ पे दे रखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, बीच में उसके बीच में कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो बहुत सारे वेन डायग्राम होंगे, बट उसमें राइट वाला ये था। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखा है मेड जे एक्स ए लिखा है, रन को क्या लिखा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस थ्री थ्री चल रहा है, ठीक है, माइनस थ्री इसमें चल रहा है, एनोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो एम में से माइनस थ्री तो जे, ए में से माइनस थ्री तो एक्स, और डी में से माइनस थ्री तो ए, इस तरीके से आपका बन रहा है। तो रन को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, माइनस थ्री तो आपका ओ, माइनस थ्री तो आपका आर, और माइनस थ्री तो आपका के, तो ओ आर के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए लगातार मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन तो आपका मिरर इमेज से, जिसमें आपको रेट की मिरर इमेज बतानी थी, ठीक है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे रखा है मिरर, जैसे मैं आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक शिफ्ट की जो एनालिसिस कर रहा हूँ वहाँ पे, हर एक क्वेश्चन में बता ही रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मिरर इमेज में आपको कुछ नहीं करना है, जिस साइड में मिरर रखा है उस साइड के कैरेक्टर को मतलब उसके पास ही रखना है, और जिस डायरेक्शन में रखा है उस डायरेक्शन में ही रखना है, ठीक है। तो टी और ए तो ऐसे हैं जो कि मिरर इमेज में मतलब उनको कोई चेंज नहीं होता है, तो टी और ए को तो बिल्कुल वैसे ही रख देंगे, पहले टी को फिर ए को, फिर आर चेंज होगा, आर का जो डायरेक्शन है, देखिए अगर मिरर यहाँ पे रखा है तो आर का ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ये मिरर के पास है, तो इस डायरेक्शन में भी हम मिरर के पास में इसको ही रखेंगे, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक थी आपकी, देखिए ये सीरीज थी, ये कंप्लीट करनी थी आपको, 4, 16, 36, 64, और नेक्स्ट आपको बताना था। तो यहाँ पे चार का जो चार है ये क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 को छोड़ के यहाँ पे 4 का स्क्वायर करके 16 कर देंगे, 5 को छोड़ के 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है, 7 को छोड़ के 8 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 9 को छोड़ के तो आपका 10 का क्या हो जाएगा, 100, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस लॉगिज्म से, यहाँ पे इसमें बोला गया सभी राजा मंत्री होते हैं, कुछ मंत्री किसान होते हैं, तो निष्कर्ष यहाँ पे आपको बताना था, कुछ राजा किसान है, कोई राजा किसान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा जो लॉजिक है, तो थोड़ा सा ट्रिक है, उसको ध्यान रखना है। सभी राजा मंत्री है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए राजा वाला एक डायग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर को मंत्री वाला बना देंगे, तो ये वाली कंडीशन कौन सी होगी, सभी राजा मंत्री है, ठीक है, कुछ मंत्री किसान होते हैं, तो मंत्री में आपको क्या करना है, हल्का से कट लगाना है, तो कुछ मंत्री किसान आपके बन गए हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वेन डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ राजा किसान है, तो आप ये बताइए मुझे देख करके, राजा और किसान के बीच में कोई रिलेशन बताया गया, तो नहीं, तो इसका मतलब हम इसको हटा देंगे। नेक्स्ट क्या है, कोई राजा किसान नहीं है, कोई राजा किसान नहीं है, अब ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा ट्रिकी। अब यहाँ पे एक बार तो बोला गया कुछ राजा किसान हैं, और एक बार बोल दिया कोई राजा किसान नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा या तो आपका निष्कर्ष वन या निष्कर्ष सेकंड वाला होगा, सही होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, क्यों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक ही मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन तो नहीं बताया गया, बट यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं वो दोनों के दोनों एक नहीं वाला रिलेशन और एक है वाला रिलेशन है, यानी कि कुछ राजा किसान हैं और कोई राजा किसान नहीं है, तो अब इनके बीच में दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, है कभी और नहीं कभी, और ये हमें पता नहीं है कि कौन सा इनके मतलब इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, इनके बीच में रिलेशन नहीं है, बट ये एक्चुअल में हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ऑप्शन आपका वन सही होगा या सेकंड वाला सही होगा। भाई इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको छोड़ के नहीं आना है। जब एक ही यानी कि दो कैरेक्टर है, राजा है और किसान है, क्वेश्चन में इनके बीच में कोई रिलेशन बताया नहीं बताया गया, बट जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में एक बार क्या बोला है, कुछ राजा किसान है, तो अगर यही दिया होता और ये वाला इसकी जगह कोई सा और रिलेशन होता है, ऑल राजा मंत्री है ये वाला होता, तो तब इसको आप कट कर देते, बट एक बार तो यहाँ पे बोला गया कुछ राजा किसान है और एक बार बोला गया कोई राजा किसान नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन इन दोनों के बीच में एक बार है और नहीं वाला दे दिया, तो इसका मतलब अब हम कंफ्यूज हो गए। तो हमने क्या बोला कि या तो निष्कर्ष वन होगा, सेकंड वाला सही होगा, ये ऑप्शन अगर क्वेश्चन में दिखता है तो तब आपको ये राइट लगाना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रीजनिंग के और क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है, फिर चलेंगे मैथ पे। तो रीजनिंग का आपका बात करी जाए तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से लगातार क्वेश्चन है, स्लोगन से, वेन डायग्राम से, क्लोक से, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, और आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज डायरेक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब एक चीज़, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं देखिए बहुत लेट तो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसलिए लेके आ रहा हूँ कि बहुत देर तक तो मैं सोचता रहता हूँ, बहुत से बच्चों से पूछता रहता हूँ कि क्वेश्चन बताएंगे, कोई कहता है घर जाके बताएंगे, कोई कहता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, इतनी मुश्किल से क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आना और फिर भी
बच्चों के नीचे कमेंट देखूं तो फिर यार मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, तो आप थोड़ा सा मोटिवेट किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि एक बर्तन में चांदी की जो परसेंटेज है वो 42% है, एक बर्तन है उसमें चांदी है और दूसरी ओर दूसरी धातु है, अगर चांदी 142 ग्राम थी तो बताओ अन्य धातु कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको बताने दूसरी धातु कितनी होगी, तो देखिए अगर 42% चांदी है तो 42% की वैल्यू हमें मिल गई कितना 142, 100% की आपको निकालनी है तो 142 को 42 से भाग कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अप्रोक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा 338 आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो बचा हुआ क्या बचेगा, दूसरे मेटल, तो 196 दूसरे मेटल हो जाएंगे, 196 ग्राम, ठीक है, ग्राम में देखिए ना वैल्यू, तो 196 ग्राम अदर जितना भी मेटल होगा जो भी इसमें होगा, चांदी के साथ में सोना हो जो भी होगा, वो अदर मेटल कितना होगा, वो 196 ग्राम होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका सेलिंग प्राइस आपको दे रखी थी 999, लॉस आपको दे रखा था 26%, सीपी आपको निकालनी थी, तो इसमें भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, जब लॉस होता है तो आपकी 100% सीपी होती है, जब लॉस होगा तो 100% से कम में बेचा होगा आपने, जब किसी चीज़ पे लॉस होता है तो आपने जितने में खरीदा था उससे कम में बेचा होगा, यही तो रीजन होता है लॉस का। तो 100% हमारी सीपी होती है, यानी कि जितने चीज़ में हम जितने भी में भी हम उसे खरीदते हैं वो हमारी 100% होती है। अगर हमें लॉस होगा तो इससे कम में होगा, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो 100% से ऊपर हम चले जाएंगे, बट अभी लॉस हुआ है तो इसमें से हम क्या करेंगे 26 को माइनस, तो बचेगा कितना 74। तो आपका जो ये 999 लिखा है सेलिंग प्राइस, ये 74% के इक्वल है, और आपको क्या निकालना है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय प्राइस, और क्रय प्राइस क्या होता है हमारा 100%, तो बस आपको 999 को 74 से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 74 से जाएगा कितनी बार 13.5, 1350 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम में नहीं आया था, बट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैं अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को ऐड किया है, ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है, इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसको इजिली करके आ जाएंगे। यहाँ पे बोला गया ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी का आपने 8 दिन लिख दिया, ठीक है, जबकि बी सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, यदि तीनों मिलकर से कार्य को 6 दिन में समाप्त करें, तीनों मिलकर बोला है ए बी सी ने 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां पे अब चाहे ए का पूछ ले जाए, चाहे बी का पूछ ले जाए, चाहे सी का पूछ ले जाए कि कितने दिन में, या फिर ए बी का पूछ ले जाए, बी सी का पूछ ले जाए, किसी का भी पूछ ले जाए, आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा, एलसीएम ले लो, 24 आ गया, 24 का मेट से डिवाइड करेंगे तो एबीसी का कैपेसिटी आ जाएगी कितनी 3 यूनिट, यानी कि ये दोनों जो मिलके हैं वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, बी सी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट वर्क करते हैं, और जो आपका ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ए और सी मिलकर कितने दिनों में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, सेपरेट वर्क हमें पता है किसी का नहीं पता है, तो सबसे पहले सेपरेट वर्क निकाल लेंगे। सेपरेट वर्क निकालने का क्या ट्रिक है हमारे पास, देखिए ए बी सी का तीनों का दे रखा है, अगर मैं इसमें से बी और सी माइनस कर दूं तो बचेगा क्या ए का, तो मैं इस 4 में से 3 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, सॉरी 2 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, बी सी माइनस करेंगे तो बचेगा कितना ए का 2 बच जाएगा। फिर आपका क्या होगा, ए बी सी में से अगर मैं ए और बी का माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, बी बचेगा, ठीक है, सॉरी सी बचेगा, तो हमें चाहिएगा तो यही, तो हम इसमें से माइनस करेंगे बचेगा ए, तो वैसे हमें चाहिए तो ए सी का ही चाहिए था, बट मैंने बी का भी निकाल लिया। बी का कैसे निकालेंगे भाई, ए का मिल गया, सी का मिल गया, 2 और 1 3, और इसमें से 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो बी का भी आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है कि ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी दोनों को प्लस करेंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों अभी इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, अब थर्ड शिफ्ट का आप वेट करिएगा, थर्ड शिफ्ट को मैं अच्छी खासी लेट लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट करूँगा, जितने भी फर्स्ट शिफ्ट के होंगे, सेकंड शिफ्ट के होंगे, थर्ड शिफ्ट के होंगे, और जो भी पूरे दिन के क्वेश्चन होंगे वो सारे कलेक्ट करके मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है, वीडियो भी बहुत लंबी होगी, वो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैथ में आपके जो चैप्टर मैं बता देता हूँ उससे पहले आप पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क और एचसीएफ एलसीएम हो गया आपका, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसीआई, पाइप एंड सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, एज हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मतलब मेन चैप्टर आपके ये है, अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपका मैथ में कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर आप ये इनको पढ़ के जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा, इसकी भी और फर्स्ट शिफ्ट की भी, तो दोनों की डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और वहाँ पे और भी हज़ारों पीडीएफ पढ़िए आपकी, हर एक मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सबकी चीज़ों की मैं पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराई रहा हूँ आपको, तो लगातार आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा,
ठीक है, अभी 70,000 बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो और भी जुड़ जाएंगे अगर आप जुड़ मतलब वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ से आपको ही फ़ायदा है ज़्यादा। ठीक है, आपको फ़ायदा इस चीज़ का है कि आपको PDF कहीं से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बस आपको एक ये इसको खोलना है टेलीग्राम को, ये इतनी सारी जो PDF पड़ी रहती है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आपको टॉपिक स्टडी सर्च करना है, अगर टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भर के और सब कुछ करके जैसे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होते हैं वैसे ज्वाइन हो जाइए, और फिर आप इनको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने टेस्ट नहीं परचेज किया है और आपके पास 4 से 5 दिन भी है तो टेस्ट को परचेज कर लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।